लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अहम खबर बता दूं आपको, दिल्ली में ब्लैकआउट का खतरा मंडराया। दिल्ली सरकार ने केंद्र पर फोड़ा ठीकरा, एनटीपीसी नहीं करेगी सप्लाई तो ब्लैकआउट। सत्येंद्र जैन ने कहा ऑक्सीजन की तरह मैनमेड हो सकता है बिजली संकट। केंद्र से दिल्ली की अपील, जल्द करें कोयले का इंतजाम। गैस भी है, गैस भी नहीं दे रहे हैं, कोयला भी नहीं दे रहे हैं, बिजली बनानी बंद कर दी है, तो ये क्राइसिस कहीं ऐसा तो नहीं मैनमेड है? तो हो सकता है कि मैनमेड ही लग रहा है दिल्ली के लिए, तो सर नहीं, पूरे देश के लिए लग रहा है। जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था वो भी मैनमेड ही था एक तरह से, आज फिर से वही क्राइसिस नजर आ रहा है कि भाई कोयले की सप्लाई बंद कर दो, कोयला नहीं, इस देश में कोयला होता है, इस देश के अंदर पावर प्लांट है, जितनी डिमांड है उससे 3.5 गुना पावर प्लांट हमारी कैपेसिटी है, उसके बावजूद बिजली नहीं बन रही है, तो ये तो बड़ा मैनमेड सा ही लगता है। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि इसको देखे, जो कोयले का क्राइसिस है उसको भी पूरा कराएं। मैनमेड सा ही लगता है, एक मंत्री को नहीं कहना चाहिए, एक मंत्री को तो इस तरीके से बात करनी चाहिए कि मैनमेड है या नहीं है। उन्होंने इसको ऑक्सीजन स्कैर्सिटी से तौल दिया है। जरा ये समझना चाहूंगा कि क्या वाकई ये एनालॉजी ड्रॉ की जा सकती है क्या? लेकिन उससे पहले मैं जितार्थ के पास जाना चाहता हूं। जितार्थ, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो एक तरीके से कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड ओवर, उसका भी बड़ा असर कोल पर पड़ रहा है। कोल्ड वॉर इज प्लेइंग अप टू द प्रॉब्लम ऑफ कोल, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है दिनेश, निश्चित तौर पे ऐसा है। और अगर आपके पैनलिस्ट इस बात को समझ पाए कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ ऑस्ट्रेलिया और चीन का जो तनातनी चल रही है उसका है, अगर मैं आपको नंबर्स के हिसाब से बता सकूं तो करीब करीब 20 मिलियन टन कोयला अभी चाइना के पोर्ट और चाइना के वेयरहाउस में पोर्ट सिटीज पे फंसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, जिसे चाइना लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया उसको दूसरे देशों को बेच रहा है, भारत ने उसमें से करीब करीब 2,00,000 टन कोयला खरीद लिया है पिछले हफ्ते। अगर मैं आपको तारीख बताऊं तो शायद 31 और 1 तारीख के बीच में ये सौदा हुआ है, और वो भी करीब $15 प्रति टन सस्ता खरीदा है, क्योंकि वो फंसा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया उसे बेचना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने अपनी तरफ से कोयले का इंतजाम करने की कोशिश ना की हो, मगर जो सी रूट्स हैं वो केवल जो ऑस्ट्रेलिया से जाने वाले सी रूट्स हैं वो पहले चाइनीज पोर्ट जाते हैं फिर भारत आते हैं, तो वो जहाजों को करीब 70 से ज्यादा जो शिप फंसे हुए हैं कोयले के नहीं, तो इसमें टारगेट क्या है? टारगेट में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो तनातनी है, या टारगेट पर क्वाड है? क्योंकि यहाँ पर ये इसमें से बहुत सारा कोयला इंडिया की तरफ आने वाला था उसको फंसा कर रखा गया है, या एक्चुअली ये वन वर्सेस द रेस्ट जो चल रहा है वो है, ये क्या है? ये इसमें करीब करीब तीनों का मिला जुला रूप है। इसमें से काफी कोयला जापान भी जाने वाला था, जापान में भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है इस कोयले के ना जाने की वजह से, और चाइना उन शिप्स को निकलने नहीं दे रहा है, उस रास्ते को करीब करीब मनमाने तरीके से रोक रहा है। तो इसमें कोई क्या क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते क्या? इसमें समझदारियां काम नहीं करती? कोई पहले से रिटन अंडरस्टैंडिंग नहीं होती क्या कि आप करेंगे क्या नहीं करेंगे? इसमें दादागिरी चलती है कि हमारी मर्जी चल रही है हम तो रोक देंगे? जी देखिए, जब अच्छा समय होता है तब सभी लोग नियम कायदों का पालन करते हैं, जब आपकी और हमारी संबंध खराब हो जाते हैं तो फिर उन नियम कायदों को दरकिनार। और वैसे भी चाइना ने नियम कायदे माने का भय है। जरा जल्दी से इसको लेकर राजीव रंजन झा के पास एक बार फिर जाना चाहता हूँ। राजीव रंजन झा, ये मैनमेड क्राइसिस ही ज्यादा लग रही है फिर तो, और ये अगर ऐसी क्राइसिस है कोविड जैसी ही, जिसको कह दिया गया कि आसमानी आफत है, किया धरा तो वहां पर गया था वुहान में, ये वैसा ही सब कुछ चल रहा है क्या? आप इसे चाइनीज मेड क्राइसिस समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। और जैसा अभी जितार्थ जिक्र कर रहे थे कि चीन जो है वो उन जहाजों को समुद्री सीमा में अपने रोक करके रख रहा है और उन्हें फ्री मूवमेंट नहीं करने दे रहा है, तो इस संदर्भ में आप याद कीजिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन किया था तो उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा था कि जो समुद्री संसाधन है वो पूरे विश्व की साझा विरासत है। तो उस समय जो वो बात कह रहे थे वो इसी तरफ इशारा था कि समुद्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र है वहां पर सामानों का आना जाना, एक दूसरे के यहाँ परिवहन जो है जहाजों का, उसमें किसी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिवहन होना चाहिए और उसमें कोई देश दूसरे देश के
परिवहन में दखलंदाजी न करे ये सुनिश्चित होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र का मंच चुना था। तो आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि मसला कहां फंस रहा है। निश्चित रूप से चीन जो है वो ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन भाई जो जिदार्थ ने कहा कि अपना कहा हुआ भी कब मानता है चीन, तब तक मानता है जब तक सूट करता है, उसके बाद वो अपने ही लिखे हुए को फाड़ के फेंक देता है, कहता हां तब लिखा था, अब क्या करें। ये हमारे साथ बाउंड्री डिस्प्यूट में कई बार वो कर चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।